व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वैसे फिलहाल यहाँ पे आप देख ही सकते हो अपनी स्कूटी को, एंड आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से। सो देखते रहो वीडियो को पूरा, एंड अभी निकलते हैं क्योंकि आसपास जाने का प्लान है। सो देखते सीन क्या रहता है, ठीक है। तो यार इसको स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो और क्या है बोले, देख सकते हो कितना किक मार रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं अभी सीन क्या रहता है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट तो हो ही चुका है, बट रैप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा बहुत पिकअप कर लेते हैं क्योंकि दो तीन दिन से स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो अभी चलते हैं सीधा, एंड यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस, अभी कैमरा का क्वालिटी जो है वो कैसा आ रहा है वो मेरे को नहीं पता। सो देखते रहो वीडियो को पूरा, एंड ये है अपना विद्यासागर बाजार, आप देख ही सकते हो। सो यहाँ से मैं जाऊंगा अभी सीधा, किधर जाऊंगा मेरे को नहीं पता। सो आप देखते रहो वीडियो को पूरा, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ कुछ भी नहीं पता। सामने चल रहा है एक पल्सर वाला भाई साहब, जो कि बाइक मेरे को थोड़ा बहुत पसंद आया ही है, बट वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को पल्सर। मेरे को अच्छा लगता है क्या है पता है, मेरे को G900 अच्छा लगता है, बट वो हाथ से बाहर है। सो जो भी है, ये रहा अपना विद्यासागर ब्रिज। सो अभी चलेंगे थोड़ा बहुत कॉलेज टीला के पास में। सो चलते सीधा, देखते रहो वीडियो को पूरा, बस यही बोलता रहता हूँ बार बार, और क्या ही बोलूँ, और कुछ वर्ड आता ही नहीं मेरे दिमाग में। एंड अभी फिलहाल मेरे को जाना है राइट साइड से, सो इधर से निकल रहा हूँ। सो वो 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 और क्या है बोलूँ, सामने देख सकते हो ऑल्टो वाला भाई साहब अचानक से रोड के बीच में आ गया। तो जो भी है, ऐसा कुछ लोग तो मिलता रहता है। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो रोड का साइज इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, छोटा सा ही रोड है। सो यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करता रहता है ना। तो जो भी है, आप देखते रहो वीडियो को पूरा, एंड अपना स्कूटी का हालत तो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं कैसे राइड कर रहा हूँ आप देख ही सकते हो। तो रोड का साइज आप देख सकते हो कैसा है। तो जो भी है, अभी इसी ने ऐसा है कि अपना स्कूटी को भी ठीक करवाना है, तो फिलहाल तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा। सो अभी पहुँच चुका हूँ कॉलेज टीला में। एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज है, सामने ग्राउंड वगैरह है, एंड यहाँ पे लोग बैठता रहता है कभी कभार। सामने देख सकते हो पास शायद से ग्राउंड में कुछ, मतलब कि वो क्या बोलते हो उसके, मैच वगैरह है। अभी मैच क्या है वो नहीं पता, क्रिकेट का है या फुटबॉल का है या कुछ और का है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाता ही नहीं हूँ कभी। तो ये रहा कॉलेज टीला, एंड अभी वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, तो आप कमेंट पर बताना कि कैसा दिख रहा है आपको वीडियो का क्वालिटी। तो जो भी है, अगर आप मतलब कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो फिलहाल तो मैंने अपना फ़ोन से ही स्टार्ट किया है, जो कि देख सकते हो क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्या कुछ नहीं, आपको सब कुछ दिख ही रहा है। सो जो भी है, सो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप भी मोटो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। और बाकी मैं एक राइडिंग का ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो अगर आप लोग राइडिंग वगैरह करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो यहाँ पर अगरतला, मतलब कि लोकल जो भी हो, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो दूसरा चैनल है विशाल वर्मन, जिसपे मैं म्यूज़िक वगैरह डालता हूँ, तो वहाँ पर जाना। सो वहाँ पे मेरे को, मतलब कि मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, तो उस नंबर के साथ आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, एंड ईमेल भी दिया हुआ है मेरा इसी चैनल पे। सो फेसबुक इंस्टा पे तो आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो यार, तो और क्या है बोले, सो कॉन्टेक्ट कर लेना यार अगर आप में से कोई हो। एंड सामने ये क्या है गाइस, एक्चुअली ये क्रेन है शायद, हाँ क्रेन ही है। तो जो भी है, अभी आ चुके हैं हम लेक के पार में। सो नीचे ही लेक है। सो ये वाला गाड़ी क्या है, मेरे को लगा कि पुलिस का गाड़ी है, बाद में दिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो भी है, ये रहा इस साइड में लेक, उस साइड में भी पानी ही है, सो लेक ही कह सकते। तो सामने वाला साइकिल भी आप देख सकते हो मुझसे पहले चल रहा है यार। अभी आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ अभी मैं, और क्या ही बोलो गाइस। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, एंड यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, सामने देख सकते हो लेक। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर से घर पे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कुछ इस तरीके के जगह पे, यहाँ पे देख सकते हो नज़ारा कुछ इस तरीके का। एंड अभी का सीन ऐसा है कि अभी जो है मैंने थोड़ा सा ब्लॉक किया ना आते टाइम, सो सीन ऐसा है कि वो
मतलब कि एंगल जो है वो सही नहीं आया यार एक्चुअली। अरे क्या ही बोलूँ। तो अभी चलते हैं वापस से एंड अभी कैसा आ रहा है पत्नी तो देखते हैं। तो अभी सीन ऐसा है कि ये वाला जो जगह है ना वो अपना कॉलेज का नीचे का साइड है, कॉलेज का पीछे का साइड जो कि नीचे है, कॉलेज टीला बोलते हैं इस जगह को। एंड ये थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद मेरे को मिल जाएगा मेन रोड। सो मेन रोड पे जाने के बाद सीधा चल जाएंगे वापस से घर पे, क्योंकि और कहीं पर जाने का प्लान तो है नहीं यार। क्योंकि और कोई अगर होता, और भी दो तीन स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह होता, दोस्त वगैरह होते तो साथ में राइड वगैरह करते तो मस्त रहता, बट फिलहाल तो मैं अकेला हूँ इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ आजकल। सो अभी देखते हैं सीन, एक राइडिंग का ग्रुप बनने का प्लान तो है, तो आप में से अगर कोई हो तो कॉन्टेक्ट तो कर ही सकते हो मेरे साथ। तो अभी और क्या ही बोले, बस यही कहना था। एंड अभी पहुंच चुका हूँ बात करते करते आप लोगों से सीधा मेन रोड पे। तो कब क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सो मैंने सोचा बस शुरू करूँगा मोटो ब्लॉगिंग एंड अपने फ़ोन से ही शुरू कर दिया है। वैसे कैमरा तो अभी तक ले नहीं पाया हूँ। सो अभी देखते हैं, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम में तो ले ही लेंगे। तो और क्या ही बोले। सो यहाँ पे इस साइड में एक स्कूल है। सो जो भी है, सामने वाला एक KTM वाला बंदा दिख रहा है मेरे को इस साइड में। सो शायद से ये भी ब्लॉगर है क्योंकि उसका हेलमेट पे जो है माउंट लगा हुआ है। सो वो भी ब्लॉगर ही होगा शायद से। सो मेरे को उसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था रुक के, बट क्या करूँ यार। सो अभी क्या बोलते हो, चलते हो वापस से? नहीं यार, अभी पहुँच चुका हूँ अपना कॉलेज के सामने। सो लेफ्ट साइड में जो है वो अपना कॉलेज है। तो क्या बोलते हो गए, जाके उससे बात करें? नहीं यार, चलते सीधा। पर क्या ही बोले। सो एंड दोस्तों, फिलहाल तो मैंने ही रिक्शा को कर दिया है ओवरटेक। एंड सीन ऐसा है कि गाइज, अपना जो ये वाला हेलमेट है ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, एंड विंडोलेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सीन ऐसा है कि मैं आपको बता दूँ, हेलमेट का जो है वो ग्लास नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अभी चलते वापस से ईस्ट साइड से कॉलेज टीला के साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पीड से चलाने का कोशिश करते हैं। दोनों साइड में देख सकते हो जंगल है, एंड सामने दिख रहा है पापा की परी स्कूटी चलाती हुई, एक्चुअली सीख रही है शायद से। तो जो भी है, उसका पापा उसको सिखा रहा है, मतलब कि सिखा रही, क्या बोलता है, एक्चुअली हिंदी में दिक्कत है यार। और क्या ही बोलूँ, हिंदी हम बचपन से नहीं बोलते हैं ना, एक्चुअली हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज है मतलब कि बंगाली। सो हम ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं, सो इसलिए हमको हिंदी ज़्यादा, मतलब हिंदी का इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं। ठीक है, अंकल देख सकते हो अभी ही इस साइड से आ जा रहा था। और क्या ही बोले। सो अभी पहुँच चुका हूँ वापस से विद्यासागर ब्रिज में। सो ओ ओ ओ ओ तेरे गए, अभी ना गिर जाने वाला था मैं एक्चुअली, सामने का ब्रेक पकड़ा ना, मतलब कि ब्रेक लगाते ही वो स्लिप किया। और क्या ही बोलूँ। सो ऑटो को ओवरटेक करते हुए अभी चलते सीधा। ओ शिट गाइस यार, और क्या ही बोले, यहाँ पर ऐसा होता रहता है कभी कभार अभी। और क्या ही बोले, ओ भाई सामने कितना बड़ा हाथी देख सकते हो, ट्रक के बारे में बोल रहा था, हाथी ही बोलता हूँ मैं इसको। एंड अभी तो ये है विद्यासागर मार्केट एंड 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 और क्या ही बोले। सो ये वाला वीडियो जो है बस इतना सा ही है, और ज़्यादा लंबा तो होने वाला है नहीं क्योंकि मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने घर में, मतलब के सामने ही है घर। सो ये वाला वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। सो आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। सो तब तक आप ससुर मस्त रहो, खाते पीते रहो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और खुद का भी। सो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। सो अभी स्कूटी को अंदर पार्क करके फिर चलते हैं ऊपर, एंड आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो में जल्दी। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो कर ही सकते हो यार।
तो अच्छा लगा है तो शेयर वगैरह कर देना गाइस, और क्या ही बोलूँ।